राकेश शेट्टी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप यहाँ पर सिंह साहब की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन से पहले का मैनिफेस्टो है जो सामने आया है, काफी कॉन्फिडेंट सरकार है और काफी कॉर्पोरेट सरकार का बजट भी लगा, ये हमारे बाकी तमाम पैनलिस्टों ने भी कहा जिन्होंने बजट को लेकर काफी तारीफ भी की है, आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, हमने नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सरकार में आए, उसके बाद 19 में आए, हमने हमेशा देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुत ही अच्छा रोजी पिक्चर देती है। जैसे उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, किसानों की आय डबल करने की बात किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, और डिफेंस और हेल्थ केयर का जो पैरामीटर को बढ़ा देने की बात की थी। आज हमने देखा कि वो डिफेंस और हेल्थ केयर सेक्टर में हमने देखा कि 1.5% से बजट को नीचे लेके आ गए। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई है, मतलब आज अनएम्प्लॉयमेंट 45% पे है। अगर आप PLFC का रिकॉर्ड देखोगे तो जब आज क्या हुआ है कि न्यूज चैनल्स हुआ या इकोनॉमिस्ट है या बिजनेस हाउस है, आज एक घबराहट का माहौल है कि लोग कोई प्रश्न नहीं उठा रहे, कोई नरेंद्र मोदी जी से ये नहीं पूछते कि आप 2013 में और 19 में ये कहते थे कि जो काला धन देश में आएगा उसके बाद सैलरी जो स्ट्रक्चर्ड लोग है जिनका सैलरी में से TDS और टैक्स कट जाता है, उनको आप कुछ बेनिफिट देने वाले थे। आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि उनको बेनिफिट देने वाले थे तो उसका क्या हुआ। किसानों का हालत आप देखिए, आज यूरिया जो 450 का था वो 1000 रुपये का पहुंच गया, LPG गैस सिलेंडर 450 का था वो 1100 पे चला गया। स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी, तो मैं तो देखना चाह रहा हूँ क्या 10 साल हो गए राकेश, तो स्मार्ट सिटी किधर है? राकेश जी, हम लोगों ने इस बजट की बातचीत शुरू की है, पिछले 10 साल का बही खाता पे चर्चा करेंगे, अभी चुनाव का जब ऐलान होगा तो